यूक्रेन के मामले में वो कहावत एकदम सही बैठती है कि सर मुंडाते ही पड़ने लगे ओले। कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन पिछले एक साल से नीदरलैंड और डेनमार्क से अमेरिकी लड़ाकू जेट्स F-16 का इंतजार कर रहा था। यूक्रेन को ये उम्मीद थी कि F-16 आने के बाद वो आसमान में रूसी सेना का तगड़ा बंदोबस्त कर देगा, लेकिन F-16 मिलने के बाद ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब उल्टा यूक्रेन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हमने अपनी एक रिपोर्ट में पहले बताया था कि यूक्रेन की एक बेवकूफी की वजह से रूस को यूक्रेनी F-16 जेट्स की लोकेशन पता लग गई थी और उसके बाद रूस ने एक हैंगर पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके बाद रूसी डिफेंस मिलिट्री ने ये दावा किया था कि उसने इस हमले में यूक्रेन के F-16 तबाह कर दिए हैं। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से भी इस बात को कबूल कर लिया गया है कि उसका एक F-16 फाइटर जेट्स ढेर हो चुका है। दरअसल रूस के हवाई हमले के दौरान यूक्रेन का F-16 जेट क्रैश हो गया है, जिसमें जेट का मुख्य पायलट ओलेक्सी मेस, जिसे मूनफिश के नाम से जाना जाता था, वो मारा गया है और इस बात को खुद यूक्रेनी सेना ने कबूल कर लिया है। दरअसल इस क्रैश को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि यूक्रेनी पायलट की गलती की वजह से F-16 क्रैश हुआ है, लेकिन CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन को ये नहीं लगता कि पायलट की गलती की वजह से ये जेट क्रैश हुआ है। ये जेट यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा किए गए अभी तक के सबसे बड़े हवाई हमले को विफल करने के दौरान क्रैश हुआ है। हालांकि जेट कैसे क्रैश हुआ, अभी इस बात की जांच चल रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस पूरी जांच में सहयोग करने के लिए यूक्रेन जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेट के मुख्य पायलट मूनफिश की मौत यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि F-16 उड़ाने के लिए चंद यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है और उनमें से एक पायलट का विकेट गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने F-16 का इस्तेमाल रूसी मिसाइल और ड्रोन्स को चिन्हित करने के लिए किया था। बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने पहली बार अपने इस बयान में F-16 की तैनाती की बात स्वीकारी है और यूक्रेन के लिए F-16 गेम चेंजर साबित हो सकते थे, क्योंकि रूसी सेना लगातार आसमान से यूक्रेन के बिजली घरों और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रही थी, जिनका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ F-16 क्रैश होने को लेकर यूक्रेन की एयर कमांड ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि 26 अगस्त 2024 को यूक्रेनी पायलट ओलेक्सी मेस की मौत हो गई थी, लेकिन उससे पहले उसने 3 रूसी क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन को मार गिराया था। ये रूस के यूक्रेन पर सीधे मिसाइल और ड्रोन को नाकाम करने का हिस्सा था। हालांकि शुरुआत में इस क्रैश एयरक्राफ्ट को F-16 का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इसे F-16 का नाम दिया और कहा था कि इस तरह के एयरक्राफ्ट ने 4 रूसी क्रूज मिसाइलों को इसी दौरान मार गिराया था। लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस क्रैश को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। अखबार का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि F-16 दुश्मन की आग द्वारा क्रैश नहीं हुआ, संभवतः ये क्रैश पायलट की गलती हो सकती है।